दीपावली पर पटाखा फोड़ने पर भले ही प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन बाजार में पटाखा के दुकानों में तेजी आ गई। आलम यह है कि जिला मुख्यालय हाजीपुर सहित जिले के हर चौक चौराहे पर पटाखा का दुकान सज गया है, जहां 10 रुपये से लेकर 1000 तक का पटाखा उपलब्ध है। हालांकि दुकानदार महंगाई का मार झेल रहे हैं, बाजार में ग्राहकों की कमी देखी जा रही है, लेकिन कल पटाखा बाजार में तेजी आने की उम्मीद है। हाजीपुर के अनजानपीर, गांधी चौक, गुदरी बाजार सहित विभिन्न चौक पर दर्जनों पटाखा का दुकान सजा हुआ है। प्रतिबंध को दरकिनार कर पटाखा का व्यापार किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के कारण पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, इसके बावजूद भी स्थानीय प्रशासन द्वारा सुरक्षा के साथ पटाखा बेचने की छूट दुकानदारों को दी गई है। शहर के अनजानपीर चौक स्थित दुकानदार पप्पू सिंह ने बताया कि इस बार बाजार मंदा है, लेकिन प्रशासन की ओर से छूट दी गई है। सतर्कता बरतते हुए पटाखा की दुकान चलाने का आदेश दिया गया है। हम लोग हर प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था किए हुए हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में प्रदूषण पर प्रतिबंध को लेकर मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, पटना सहित सभी जगह पटाखा प्रतिबंधित है। बेहतर है, कुछ खास नहीं है, जो कह लीजिए। मोदी पटाखा का ज्यादा डिमांड है, मोदी पटाखा का डिमांड है, उसी का भी। हाँ, उसी का। पटाखा काम कर रहे हैं आप तो हल 15 ईयर मैंने हर साल की अपेक्षा इस बार बाजार में कुछ खास नहीं है। बाजार मंदी है क्योंकि लास्ट सीजन है, लास्ट मंथ है। क्या लग रहा है बाजार में रौनक है या पटाखा? वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। क्या नाम लिखते हैं? अभी तो सर बता नहीं सकते हैं, क्या कि अभी तक बाजार में रौनक तो है नहीं। अब देखिए आगे चल के आज तो अभी है, क्या बोलता है, धनतेरस है, कल का बताते हैं। अभी तो प्रशासन की तरफ से क्या बताया गया? कोई सेफ्टी पर रखने के लिए बोला गया है कि सिलेंडर रखिए और पानी पानी बालू किसी के आसपास में पटाखा नहीं फोड़ने देना है। मैंने सेफ्टी पर रखने के लिए पूरा ध्यान रखने की, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रखना है, आराम से अपने सेफ्टी बरतते हुए काम करना। क्या चार्ज भी लगता है क्या आप लोग? मैंने जो चूल्हा लगाते हैं, पटाखे का दुकान लगाते हैं, तो चार्ज भी लगता है? नहीं नहीं, चार्ज भी नहीं लगता है जी। नहीं, वो थोड़ा मोड़ा रसीद उसीद करता है तो मार्केट के हिसाब से करता है, तो वो कोई नहीं, कोई। क्या नाम?